मेरठ में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। मेरठ में संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़कर 345 हो गई है, तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार मेरठ में बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ में 21 अब हो गई है मृतकों की संख्या। लगातार मौत की जो खबर है मेरठ से मिल रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 345 संख्या जो मेरठ में है बताई जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना का प्रकोप यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के अलग अलग जगह से हम आपको अपडेट बताते हैं, पर इस वक्त मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। 345 संक्रमित मरीज बताए जा रहे हैं। तो कोरोना पर मेरठ से बड़ी खबर, जहां मृतकों की संख्या में इजाफा, 21 मौतें हो चुकी हैं कुल मिलाकर मेरठ में और 5 नए मामले जो है कोरोना के वो सामने आए हैं। तो यूपी में मेरठ जो है वो भी चिंता का विषय लगातार बनता ही जा रहा है। आगरा के बाद मेरठ, जहां संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इजाफा यहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है और मृतकों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आगरा तो चिंता का विषय यूपी में बना ही हुआ है, पर मेरठ में भी लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। मेरठ भी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हर दिन नई अपडेट यहां से आती है और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनोवर चौहान का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मनोवर, आगरा के बाद मेरठ एक ऐसी जगह जहां पे लगातार संक्रमितों की संख्या यूपी में बढ़ती जा रही है और जो मृतकों का आंकड़ा है वो 21 पहुंच चुका है, किस शख्स की यहाँ पे मृत्यु बताई जा रही है मनोवर? देखिए पूजा, ये शख्स शकोर नगर का रहने वाला था और ये कई रोज पहले मेडिकल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रात एक इसका ऑडियो सामने आया जिसमें इसने बताया कि इसका सांस फूल रहा है, इसको समस्या हो रही है, इसको वेंटिलेटर पर भेजने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो नहीं सुनता है, डॉक्टर नहीं आते हैं। यानी ये ऑडियो भी वायरल हुआ और जमकर ऑडियो वायरल होने के बाद आज देर रात इसकी मृत्यु की सूचना आ गई, लेकिन देर रात तक 5 पेशेंट भी सामने आए हैं जो कि अब सबसे कम रहा है मेरठ का, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर 20 से 21 से 30 तक पेशेंट आते हैं और अब यहाँ पर जो आंकड़ा है 350 से 300 के पार पहुंचने वाला है। 340 पेशेंट अब तक सामने आए हैं, यानी कि पूरे तरीके से मेरठ अभी तक भी रेड जोन में है और यहाँ पर किसी भी तरीके की सरकार या प्रशासन के माध्यम से कोई राहत अब तक जो है मेरठ वालों को नहीं मिली है। जहाँ कल सैलून की दुकानें खुली, मिठाई की दुकानें खुली, पूरे प्रदेश में खुली, लेकिन मेरठ और खासकर आगरा ये दोनों अछूते रह गए हैं, क्योंकि आगरा के बाद सीधा मेरठ का नंबर आ रहा है, कानपुर को मेरठ ने पछाड़ दिया है। प्रतिदिन बड़े स्तर पर आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रशासन जो कोशिश कर रहा है यहाँ पर चैन तोड़ने की कोरोना वायरस की वो नहीं टूट पा रही है। कल देखा गया कि यहाँ पर जो लोग थे सड़कों पर ऐसे ही घूमते देखे गए, हालांकि परसों यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहा, क्योंकि घोषित कर्फ्यू हफ्ते में 2 बार रहता है जिलाधिकारी के आदेश है, लेकिन केवल 2 बार हफ्ते में कर्फ्यू रहना चेन तोड़ने के काम नहीं आ सकता है। यहाँ के जो विधायक है सोमेंद्र तोमर दक्षिण के भाजपा से, उन्होंने कहा है कि कम से कम 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, तभी जाकर के कोरोना की चेन टूटेगी। यहाँ पर जो लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं उनके कॉन्टेक्ट वाले भी लगातार मिल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोवर, लगातार प्रशासन तो अलर्ट है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। आप बने रहे हमारे साथ।